श्री रामचंद्र की कृपा से हम कोरोना मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस साल हम श्री राम शोभा यात्रा छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हैं। जुलूस का आयोजन प्रशासन और पुलिस के नियमों का पालन करते हुए किया गया है। पश्चिम नागपुर नागरिक संघ की धार्मिक विशेषता के रूप में श्री राम की पादुकाओं की पालकी का भ्रमण युवा पूरे रास्ते नंगे पांव करेंगे, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। इस वर्ष की परेड का मुख्य आकर्षण अयोध्या में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिकृति और धनुर्धर भगवान श्री राम के साथ रथ है। श्री राम के जीवन पर आधारित चित्र रथ ग्लोकल मॉल के अतुल गोयल के सौजन्य से, रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा विलोभनीय श्री राम रथ तेज सिंह जी देशमुख के सौजन्य से, रामायण के चित्ररथ आदित्य मधेकर और श्री चित्ररथ के जीवन पर आधारित चित्ररथ रामायण पर आधारित है। इसके साथ ही बाभुल गांव संदल और सुयोग बैंड युवाओं का आकर्षण रहेगा। दोन वर्षाच्या कोविडच्या महामारी नंतर या वेळेला परवानग्या मिळाल्याचे मारामारी असताना सुद्धा आम्ही शोभायात्रा की नाही जरी कमीत कमी धार्मिक पालखी जरी काढूया याच्यावरती आम्ही थोडी बहुत तयारी सुरू केली होती। शेवटी परवानगी आमच्या हातात 1 तारखेच्या नंतर झाली, त्यामुळे जेवढी तयारी केली होती त्या तयारीला वाढवून आम्ही आपली पुढची तयारी केली, त्यामुळे 6 चित्ररथ जातील। याच्यामध्ये रूट जो आहे आमचा जुना जो होता त्या रूटची आम्हाला परवानगी मिळालेली आहे, त्या रूटनी जाणार आहे। फक्त त्यांच्या करोना मॅनेजमेंटच्या याच्यामध्ये 1000 लोकांपेक्षा गर्दी जास्ती असल्यामुळे बाकीचे जे आम्ही जे स्वयंसेवक होते ते कमी करण्यामध्ये शोभायात्रेचा साईज आम्ही छोटा केला आहे आणि गर्दी फार होऊ नये या हिशोबाने इन्स्ट्रक्शन्स असल्यामुळे, कारण करोना गेला असा जरी सरकार दरबारी जरी असेल तरी लोकल अथॉरिटीजला अशी पॉवर दिलेली आहे त्यांनी की हे तुम्हाला रिस्ट्रिक्ट करू शकतात, त्यामुळे आम्ही त्यांच्या अधिनियमात राहूनच आम्ही ही शोभायात्रा काढलेली आहे। श्रीकांत भोगे अपने पिता की स्मृति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बस की व्यवस्था करेंगे, साथ ही शोभा यात्रा के दौरान महाप्रसाद एवं शीतपेय का वितरण किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा पत्र परिषद में दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।